So, bachcho, problems based on the result that tangents drawn from exterior point. मान लीजिए कि ये exterior point है P. ये circle है. यहाँ से एक tangent draw करे A, point of contact. दूसरा tangent draw करे B. तो क्या बोल रहा हूँ ने? The tangents drawn from an exterior point to a circle, एक circle को tangents draw कर रहे exterior point से, तो उन दोनों के length equal रहेंगे. उसके ऊपर हम problem करने जा रहे हैं. तो in a figure shown, if AB equals to AC, ये जो figure उन्हें question में mention कर दिया, AB और AC equal है. AB और AC equal मतलब दो sides equal मतलब वो है isosceles triangle. तो और question ऐसा भी दे सकता हूँ उन्हें कि आपको ABC is an isosceles triangle है ना. मैं ABC है, two sides are equal in which AB equals to AC, circumscribed about a circle as shown in figure. Prove करना है कि जो base है वो bisected by the point of contact. ये point of contact bisect कर रहा मतलब इधर equal BE equals to AC. ये prove करना है. तो पहले तो इसके proof में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए. solution given क्या है, AB is equals to AC. AB equals to AC. अब A exterior point है, exterior point से दो tangent draw करें, फिर ये exterior point है B, यहां से दो tangents draw करें, exterior point C है यहां से, यानी कि आप लिखना AD is equals to AF tangents from A. फिर BD is equals to BE, BD equals to BE tangents from B. फिर CF equals to CE, CF equals to CE tangents from C, tangents from C. Agreed ma? Now given क्या है आपको, AB equals to AC, यही तो दिया ना, AB equals to AC, यही तो condition दिया. तो AB को क्या कितने टुकड़ों में बांट सकते, AD plus BD, AD plus BD लिखिए या DB लिखिए आपकी मर्जी. BD अब AF CF, AF CF, agreed ma? FC भी लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं. AD है, ठीक है, BD है. अब AD को आप लिखेंगे, इसको AD बना के रखिए. ये प्रूफ क्या करना है, BE और CE. तो BD को क्या लिख सकते हैं, BD is BE, agree. AF और AC को क्या लिख सकते हैं आप, A to C ने, AC is AF plus CF. So AF को लिख सकते AD और CF को लिख सकते CE. AD AD दोनों साइड से कैंसिल कर देना, BE is equals to CE, BE is equals to CE. यही तो प्रूफ करो बोला ना, बेस को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाइसेक्ट कर दे रहा बोलते, दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दे रहा. एग्री मा? क्लियर? एनी डाउट? तो इसका ये न्यूमेरिकल एनालॉजी ऐसी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, फिगर ए बी सी दिया, उसके अंदर एक सर्कल है जो तीन पॉइंटों पे टच कर रहा, ट्रायंगल को डी पे टच कर रहा, ई पे टच कर रहा, एफ पे टच कर रहा, ठीक है. और एक कंडीशन दिया ए बी इक्वल्स टू ए सी. तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल रहती है, तो ए डी ए एफ. फिर ये एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे सर्कल को, बी डी बी. फिर ये एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे सी सी एफ. ये तीनों को इक्वल बनाए, उसके बाद क्वेश्चन में दिया ए बी और ए सी इक्वल करे, ए बी को ए डी प्लस डी बी, ए एफ प्लस एफ सी. फिर ए बी डी को चेंज करे अकॉर्डिंग टू दिस बी, और फिर ए एफ को चेंज करे मा ए डी, और सी एफ को चेंज करे सी. ए डी ए डी कैंसिल, बी इक्वल्स टू सी, जो कि प्रूफ करो बोला था उन्हें, वो प्रूव्ड कर चुके हैं. ठीक है, एनी डाउट? डन, नोट डाउन.